सुप्रीम कोर्ट का सबसे ज्यादा धन्यवाद देने का अवसर है। सुप्रीम कोर्ट के सभी जो कर्नाटक को लेकर के फैसले अभी हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई। कम से कम लोकतंत्र को बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ है। कर्नाटक में जनता ने मतदान किया, परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं आया और कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर के सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन कम से कम अब सबक सीखा होगा बीजेपी ने। और हम तो यही कहेंगे समाजवादी लोग, जहां कहीं भी अगर इन्होंने सरकारें बनाई हैं, अगर बीजेपी के लोग ईमानदार हैं, लोकतंत्र में अगर ईमानदारी है उनके अंदर और असली राष्ट्रभक्त हैं, तो उन सरकारों से भी उन्हें इस्तीफा देकर के दोबारा उन्हीं पार्टी को मौका मिलना चाहिए जो सबसे ज्यादा जिन पार्टियों के पास विधायक हैं। लेकिन ये उम्मीद करना बीजेपी से, क्योंकि लोग तो अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं, कभी आए नहीं अच्छे दिन। लोग 15 लाख भी इंतजार कर रहे हैं लेकिन 15 लाख आए नहीं किसी के अकाउंट में। जनधन अकाउंट जो खुलने लगे थे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अकाउंट खुले थे, अगर उस समय के आंकड़े मंगाए जाएं तो सबसे ज्यादा जनधन या अकाउंट खोलने का काम या ब्रांचेस खोलने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। और आज सबसे ज्यादा जनधन के अकाउंट कहीं बंद किए जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं। कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी के होटल से मिले हैं, जानकारी जो मिली है उसमें आप क्या कहेंगे? अब तो देखिए ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, अब तो देखिए ये उन्होंने इस्तीफा दे दिया और पर्दाफाश हो गया, बेईमानी करने वालों को सबक मिल गया और लोकतंत्र में जनता सब जान गई। अगर लोकतंत्र में जनता जान जाए और जनता जवाब देने लगे तो इससे बड़ी सजा लोकतंत्र में कोई नहीं हो सकती है। ये जो घटनाक्रम किया है इसकी सजा पूरे देश की जनता इन्हें देगी। मैं और अभी आपको पता होगा राज्यसभा में जिस तरीके से बेईमानी की थी, हमारे विधायकों को वोट नहीं डालने दिया जेल से, 2 विधायकों को खरीद लिया उन्होंने और इतना प्यार आया उन पर जिन्होंने ये कहा था कि रम में राम दिखाई देते हैं, उन्हें भी ले लिया अपने संग, क्योंकि बीजेपी को रम में राम दिखाई दे रहे थे इसलिए उनको भी संग ले लिया और वो भी हमारा वोट गड़बड़ कर दिया और राज्यसभा हरा दी हमें और बसपा को। तो हमने तो इसीलिए तो हमारे यहां से वहां जाना चाहते थे, इसीलिए रम में राम दिखाई दे रहे थे उन्हें। वही तो हम आपसे कह रहे हैं, बीजेपी को देखो कितना अच्छा लगा उन्हें और हमारा पार्टी छोड़ के चले गए और हमें धोखा दिया इतने लोगों ने, उसी वजह से हारे। लेकिन जब वक्त आया एमएलसी देने का तो मैंने कहा बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि एक उनका प्रत्याशी हारा है तो अगर कोई जाएगा, क्योंकि हम 2 ही लोग जा सकते थे और सदस्य दोनों की खत्म हो रही थी, इनफैक्ट 3 की सदस्यता खत्म हो रही थी, हमारी खत्म हो रही थी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राजन चौधरी जी इनकी खत्म हो रही थी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष 3 खत्म हो रहे थे। फिर हम लोगों ने तय किया दोनों ने कि प्रदेश अध्यक्ष को हम सदन में भेजेंगे और एक बहुजन समाज पार्टी का भेजेंगे। हम दोनों ने त्याग कर दिया, दोनों को सदन में भेज दिया। News 75 पर देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं और जुड़े रहें ताजा तरीन खबरों के साथ।